दोस्तों प्रणाम। आज आपके समक्ष लेके आया हूँ श्री अनुपम सिन्हा जी को। अब अनुपम सिन्हा जी के हाथों से हम नगायन, संपूर्ण नगायन की अनबॉक्सिंग कराने जा रहे हैं। सर शुरू कीजिए। अरे सब दोस्तों को नमस्कार है, ये तो मैं करना ही भूल गया। ऐसा लग रहा सर केक काट रहे हो। सर अंदर किताब किताब कितनी अंदर है मुझे पता नहीं, और कुछ ना कट जाए इसलिए मैं एक एक लेयर ही काट रहा हूँ। हो जाएगा चलिए थोड़ी सी मदद मैं कर देता हूँ। बिल्कुल मुझे लग रहा है ना अंदर कोई चीज ना कट जाए। तो सर ये वर्ष 2007 में शुरू हुआ था हमारा ये सफर नगायन को। 2007 में वरण कांड से शुरुआत हुई थी। 2000 और पहले 2005 से मुझे लगता है। हाँ तो आपने तो पहले ही शुरू करा होगा ना, 2007 में पब्लिश हुई थी। हाँ पब्लिश हुई थी ना। हाँ जी तो 2005 से करीब इसका कंसेप्ट शुरू हुआ था। तो 17 साल हो गए सर इसको, और 17 साल बाद भी अपना जादू बरकरार रखे हुए। तो आप लोग की आपकी वो नहीं सर, इसमें हमारी क्या आपकी पूरे नहीं सर, ऐसा है ना प्रकाशक डायरेक्टर की तरह होता है। अगर एक्टर अच्छा भी हो और अगर उसको प्रकाशक डायरेक्टर अच्छा ना मिले तो आप देखिए अलग अलग फिल्मों में अलग अलग काम करता है। इसमें मैं तो मानता हूँ एक सर एक और याद है इसके साथ, किताब के साथ इसे अलग अलग भागों में प्रकाशित हुई थी, और इसको सबसे पहले इसका जो कलेक्टर एडिशन आया था वो श्री राजकुमार गुप्ता जी पिताजी ने जो है वो बनाया, अगर आपको याद हो। पहला कलेक्टर एडिशन, सबसे पहला कलेक्टर याद है मुझे याद है। और वो कॉमिक जगत में सबसे पहला ही कलेक्टर एडिशन था। ललित जी का उसमें जो टाइटल था जो, है ना ये याद है, बल्कि वो है भी मेरे पास आपके पास रखा। हाँ बिल्कुल रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है। मैं बहुत संभल के चला रहा हूँ कि कहीं कुछ कटिंग ना हो जाए, क्योंकि बड़ी नायाब चीज लग रही है ये। इसके इसको मैं बाद में खोलता हूँ, पहले मुख्य चीज खोल लेता हूँ। ये सर आपको कैसी फीलिंग हो रही है इसको अनबॉक्सिंग करते हुए? सर मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा तुलसीदास जी जैसा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इसके साइज भी जो है ना नागायण होते होते रामायण का साइज हो गई है ये ये सही है। तो इसका किधर से है कट, ये इधर भी, इधर दोनों तरफ इधर से खोलते हैं। मेरे ख्याल में पहले बॉक्स चालू कर उसको निकाल दीजिए। ये तो देख लिया, ये तो ये है दोस्तों संपूर्ण नगायन बॉक्स के अंदर। पहली बार इस तरह का बॉक्स बनाया गया है, इसको कवर करने के लिए सब निकालिए। तो पूरा घूम नहीं पाया अभी, ये वाला पोर्शन रह गया। अच्छा ये खाली है, ऐसे नहीं निकलेगी, उसको ऐसे करके ही निकालना पड़ेगा। जबरदस्त है एकदम, और इसको खोलने के लिए तो और मुझे, मैं साइड से ही खोलूंगा, कहीं इस पे कुछ दोस्तों आप लोग भी खोलिएगा तो मेरी तरह ही खोलिएगा, कहीं चाकू ज्यादा अंदर ना पहुंच जाए। ला
ये लीजिए, ये अब अनवेल हो रही है, ये उल्टी हो गई, इसको सीधा रखते हैं और इसको ऐसे लो। वही सर, धन्यवाद सर। तो अब इसका अच्छा एक और है वो। हाँ जी, अब इसमें भी धीरे से छोटा सा कट लगा दिया है बस, ये खुलती चली जाए। ये लीजिए, ये अनावृत हो गई। तो सर ये है इसका सूटकेस कवर। अब असली एक बार जो सर जी, ये आपके द्वारा सर बनाया हुआ नया। हाँ, लेकिन ये आपके द्वारा बनाया सर, ये ये मेरे द्वारा है। हाँ, ये सारी चीज़ आपके द्वारा है, हमने तो बस ऐसे जुगाड़ किए हैं सर। तो ये बहुत ही अच्छी, ये बैक कवर है। मैंने खोलने से पहले आपसे कहा था कि तुलसीदास जी के आसपास का महसूस करवा रहे हैं आप, इसका साइज देख के तो लग रहा है बिल्कुल वही। इसके साथ वो, और सर इसका नंबर भी 21 है और शुभ नंबर है। इसके साथ ना आपको वो भी देनी चाहिए, वो जो तिपाई होती है ना जिसपे रामायण वगैरह लिख के पढ़ी जाती है, रहल। हाँ, क्या बोलते हैं, रहल रहल रहल। हाँ, वो रहल भी होता ना, तो उसको ऐसे करके आदमी ऐसे पढ़ सकता था जैसे रामायण पढ़। हाँ, है ना, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती, बढ़िया सामने रखी। कोई भी सर दूसरा है? नहीं नहीं सर, कोई बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। तो सर अभी से खोल भी दीजिए। अच्छा, ये किताब ने एक अच्छा ये है कि इसको मैं ऐसे रख के भी खोल सकता हूँ। ये देखिए, ये हो गई शुरुआत 2023 से भी। ये तो जी बस अगले ही साल आने वाली है, जब बनाई थी तो लग रहा था कितनी भविष्य में बनाई है 2023 अगले साल है। कमाल है, समय कैसे देखिए बीत जाता है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इसमें 2023 दिया था, उसमें लग रहा था बड़ी फ्यूचरिस्टिक है। दीजिए सर। तो इसमें एक और खास बात है, क्योंकि साइज बड़ा हो गया है तो चित्र और भी ज्यादा बड़े साइज में चित्रों का जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ये अब इस साइज का ये चित्र और इस साइज के ये चित्र, इस चित्र को अगर इस साइज में कर देंगे तो इम्पैक्ट इसमें कितना बढ़ जाएगा। सही कह रहे हैं। लग गया, बहन भी आ गया। तो सर कुछ आप ये बताइए, जैसे शुरुआत में आप और हमारे बीच में बात हुई थी कि चार पार्ट में हम लिखेंगे, तो चार से ये आठ पार्ट में कैसे चली गई, कुछ थोड़ी सी सर सही बताएं। तो शुरुआत में तो आप लोग पब्लिशर हैं तो बस ऐसे ही कह देते हैं, उस समय शुरू में पता थोड़ी ना होता है कि कितने में जाएगी। तो वैसे तो पाँच पार्ट में ख़त्म करने का प्लान था, लेकिन आपको शायद याद नहीं है जब मैंने चौथा ख़त्म किया था और पांचवें के लिए आपसे पूछा था, तब मैंने आपसे पूछा था कि इसको पांच में ख़त्म करूं या आगे बनानी है। तो आपने कहा नहीं जी, आप जितने में चाहो बनाओ। एक्चुअली सर क्या था कि कहानी में वरण कांड में वरण नहीं हो पाया था, हरण कांड में हरण नहीं हो पाया था, क्योंकि कहानी इतनी भव्य थी है। तो मैंने सोचा था कि पांचवी में शायद ज्यादा पेश करके करूँ, क्योंकि जब आप मेरी झंडी दे दी कि आप जितने में भी चाहे बनाए इसको, तो फिर मैंने तय किया कि जैसे
रामायण में 8 कांड है, तो हम भी 8वीं इसको खत्म करते हैं सर, क्योंकि कहानी पढ़ते वक्त पता लग रहा था कि ये कहानी में काफ़ी स्कोप है, कहानी बहुत अच्छी जा रही थी, चित्र बिल्कुल नए तरीके से आपने बनाने शुरू करे थे, इसका पूरा जो वातावरण था बिल्कुल अलग था, तो लग रहा था कि ये कहानी जो है इसमें अगर हम क्रिएटिव फ्रीडम नहीं देंगे तो वो मज़ा कहीं ना कहीं दबके रह जाएगा। सर सच्चाई तो यही है कि जब जो भी किताब आज तक जो भी किताब बनानी शुरू की है, किसी भी कहानी फाइनल नहीं होती है, एक प्लॉट होता है। बिल्कुल ठीक बात। और वो प्लॉट कैसे, जैसे टीवी के सीरियल होते हैं, वो पता है कितने एपिसोड में जाएंगे, तो एक पार्ट के बाद लगता है खींच रहे हैं, तो हम लोग वहाँ तक नहीं जाते हैं, जहाँ तक कहानी अच्छी रहे वहाँ तक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये पाठकों को कहीं को लगता है कि हम खींचना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम अपनी कहानी क्यों नीरस करेंगे। सही बात है, हमने कोई नीरस चीज दे दी और अगला पार्ट आप बनाए तो बिल्कुल बेकार। और कहानियों का तो खजाना है, ये खत्म होगी दूसरी शुरू होनी है। बिल्कुल। और वैसे भी कॉमिक्स में क्या है कि हम लोग के पास तो कंटिन्यूटी रहती है, ये नहीं तो अगले पार्ट में ले लेंगे वो चीज़। अच्छा अच्छा, आप मेरे से करवा रहे हैं अनबॉक्सिंग, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मेरे तो ऐसी किताबें मिलती हैं, मैं बहुत खुश हूँ इसी में। अब मैं ये सबसे पहले ये आपके ये स्टैंडीज हैं सर, क्यूट स्टैंडीज के नाम पर। नहीं सर कोई रहने, अरे सर रहने दीजिए, हाँ ठीक है, नहीं वो गया अंदर की तब, चलो कोई नहीं। तो ये एक स्टैंडीज का सेट है जिसमें नागराज और ध्रुव जो हैं ये इस तरीके से आमने सामने खड़े होंगे, पीछे नागपाचक क्रूरपाचक खड़ा होगा। ये मैग्नेट है, ये फ्रिज मैग्नेट है सर। मैग्नेट का तो बदल ही गया है, मतलब पहले तो वो आते थे डिब्बी टाइप, ये भी पूरा का पूरा मैग्नेट ही है। पूरा मैग्नेट है वो, जो डिब्बी टाइप है वो इसके अंदर है, ये भी फ्रिज मैग्नेट है, ये MDF फ्रिज मैग्नेट है। अच्छा इसमें वैसा लगा हुआ है। हाँ जी, वो नागराज का है, ये ध्रुव का है, इसमें आपने नागराज ध्रुव को सभी किरदारों को एक अलग ही लुक दिया था नारायण के वातावरण के हिसाब से। ये साइज में क्वालिटी में बहुत, ये सर आपके बनाए हुए सारे कवर हैं इस सीरीज के। अच्छा ये सारे कवर अलग से लगाए आपने? हाँ जी, कवर कार्ड की एक सीरीज हमने शुरू देखी। वाह, इनके पीछे इनका विज्ञापन है और समरी है, शॉर्ट साइनोप्सिस है जी। अच्छा है, जब उठाएंगे तो ऐसे कैसे मिल जाए। हरण कांड, शरण कांड, दहन कांड, रण कांड, समर कांड और इसी का, ये डबल है सर, डबल स्प्रेड था तो इसको हमने डबल। ओह अच्छा, डबल स्प्रेड को आपने डबल में किया है। वैसे सबसे अच्छा इति कांड का ही टाइटल मुझे लगा था, इति कांड के बाद फिर मुझे शरण कांड का लगा था। हाँ, कंपोजिशन सर वैसे मेरी नज़र में तो सभी कंपोजिशन ये वाला था, ये सॉरी दहन कांड का। ये सारी आप वरण कांड से भी शुरू करते हैं, हर एक कवर की जो कंपोजिशन है वो बहुत ही बेमिसाल थी। शरण कांड जिसकी आप बात कर रहे हैं, शरण कांड का एड मुझे याद है, जिसमें एक राम लक्ष्मण, हाँ ये राम लक्ष्मण साइड का बनाया हुआ था, जैसे हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं वो वाला कंसेप्ट लेके बनाए थे। हालांकि ये तो कहानी में अलग है और भगवान लोगों से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट वैसे ही लिया। ये जो पहला एड था जब नारायण का बन के आया था, इसके साथ मेरी स्पेशल फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इसको देख के मतलब एक अंदर से, क्योंकि हमारी देखो ये कौन सा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जो वन की तरफ जा रहे हैं। हाँ ये तो देखिए, ये स्टैंडर्ड पोज है, किसी भी अगर किसी चीज को रामायण से जोड़ना है तो स्टैंडर्ड है जी। राम सीता लक्ष्मण वनवास वन पे जा रहे हैं, ये सारी स्टैंडर्ड चीजें यूज की थी, कोई नई चीज नहीं यूज की थी। और वो पात्र भी भगवान की दया थी कि वो जुड़ते चले गए वैसे ही। हनुमान जी भी मिल गए, लक्ष्मण मिल गए, राम मिल गए, रावण मिल गया, सब यूनिवर्स में से मिल गए। तो सर ये बहुत बहुत हार्दिक आभार के साथ मैं आपको धन्यवाद सर,
आपके आपको आभार देते हुए मैं लेता हूँ कि ये वाकई में एक अद्भुत क्वालिटी है। अब मुझे तिपाई खरीदनी पड़ेगी इसकी। जरूर सर, मैं खरीदवा के भिजवाऊंगा, बिना उसके तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों, ये है मेरी कृति को और नई ऊंचाइयां देते हुए, मतलब मुझे इस रूप में इतनी सुंदर बनाने के लिए और चीज को आपका सर। मेरे ख्याल में सर वो तो पाठों की प्रेरणा से ही सब कुछ संभव हो पाता है। आगे अगर ये उत्साह ये किताब दे पाती है तो और भी आपकी भी और हमारी भी उत्साह में वृद्धि होगी और शायद इससे भी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट हम ला पाएंगे। तो सर गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, हम आपको उत्साह देते रहें, आप हमको देते रहें, बस ऐसे ही आदान प्रदान चलता रहेगा और ये चीज़ आती रहेगी। और सर इसका बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, सभी मित्रों का जिन लोगों ने इसको पसंद किया है और अभी तक कोई भी इसका कोई नकारात्मक रिव्यू नहीं मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदा लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मैं आते समय धन्यवाद नहीं कर पाया था, जाते समय जरूर आपको नमस्कार कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।